गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्या, सेट टू करेंगे, है ना, टर्म टू का मैथ्स में। तो टर्म टू में सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन जवाब देना है केवल आपको 5 क्वेश्चन का, और सब है 2 मार्क्स का है, 2 बचे 10। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं ए बी तथा -A -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। आपको दो बिंदु दिया गया है, ए का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ ए बी, और बी का कोऑर्डिनेट है -A -B, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी पता करना। ये आपका जो है, ये टॉपिक आपका है नेशनल ज्यामिति से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 चैप्टर से रहेगा, ठीक है। देखो तो हम क्या करेंगे, पहले वाला को लिखेंगे x1 y1, और सेकंड वाला को लिखेंगे x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है ए बी का, देयरफॉर ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कैसे करो, x2 कितना है, -A है, -x1 a है, लिख दो a होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -B - y1 b है होल स्क्वायर। -A - -B मिलकर होता है -2a होल स्क्वायर प्लस -B - B मिलकर -2b होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, फिर माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ए तो ए स्क्वायर, फिर 2 का माइनस का फिर प्लस, 2 का 4 b b स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों के बीच में 4 कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल होता है 2 को बाहर कर देंगे, और इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे इस तरह। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एक नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कह रहा है, ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, 8.1 चैप्टर से है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यदि 15 कोट ए आपको दिया है, 15 कोट ए बराबर 8, ठीक है, हो तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, पहला बार कोट 15 कोट ए कितना है, 8 है, एक गुना है, गुना जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा, 8/15, ठीक है। और आपको पता है पहले से, देखो कुछ फॉर्मूला आपको पूरा लिखा देते हैं, उसको याद नहीं है, है ना, आपको हम पढ़ाए थे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, ठीक है, सोना चांदी तोल, इसको याद रखना है, ठीक है। क्या बोले आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, नीचे में आपको लिखना है यार सी, और ये होता है एस सी। देखो इसका मतलब क्या है, तो आपको हम हिंट्स बता दे रहे हैं, एस का मतलब है साइन, ठीक है, इसका मतलब कॉस, इसका मतलब है टेन, और ई वाला का मतलब है कॉट, छोटा सा करके लिख देंगे कॉट, इसका मतलब है सेक, इसका मतलब है कोसेक, सी मतलब कोसेक, याद कर लोगे, इसको याद नहीं है। देखो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉट ए, कॉट कॉट कहाँ है, कॉट ये है, कॉट के लिए बी बाई पी, ये हो जाएगा क्या, बी बाई पी। देखो यहाँ बी आपको है हो गया 8, और पी हो गया 15, यहाँ क्या नहीं दिख रहा है, एच, तो एच सबसे बड़ा होता है, आपको समझाया गया, एच बराबर अंडर रूट कर देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट को, है ना, तो पाइथागोरस त्रिक को याद रखना पड़ेगा, क्या होता है 8, 15, 17 होता है, है ना। तो देखिए कैसे होगा, पी हो गया 15 का स्क्वायर प्लस बी 8 का स्क्वायर, है ना, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64,
दोनों को जोड़ देंगे 289 और इसका वर्गमूल होता है 17, तो आपको एच आएगा 17। ठीक है, तो आपको यहाँ निकालना क्या बोल रहा, देखो बोल रहा था कॉस ए, देयरफॉर कॉस ए, देखो कॉस कहाँ, यहाँ कॉस का मतलब बी बाई एच, बी बाई एच, बी बी देखिए यहाँ पर कितना है, बी 8 है और एच अभी निकल चुका है, मतलब कितना 17 हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको देखिए आपको पढ़ाया गया पहले भी, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कल पुट कर देना ठीक है, इंटू कॉस 30, कॉस 30 भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2 होता है। ठीक है, इसको वैल्यू को याद रखना है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो √3 × √3 क्या होगा, 3, 2 × 2 = 4 प्लस 1 × 1 = 1 और 2 × 2 = 4, उन लोगों को दिक्कत है ना। अब देखो ध्यान से, अब दोनों को क्या है, बेस सेम है कि नहीं, माने हर सेम है तो दोनों का लॉस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा क्या, 4/4 यानी 1 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बन जाएगा 4 नंबर भी। 4 नंबर क्या बोल रहा था, देखो क्वेश्चन, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त करें। देखो यहाँ साइन 67 प्लस कॉस 75, इसको कह रहा है, देखो ये जो दिख रहा है यहाँ पर 67 दिख रहा है और 75 दिख रहा है, इसको आप 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में इसको कन्वर्ट करना है, बाकी सब अब जैसे भी रहे कोई दिक्कत नहीं, साइन के बदले में कॉस भी हो जाए चलेगा, कॉस के बदले में साइन हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जो जो वैल्यू दिख रहा है वैल्यू को आपको बदल देना। देखो क्या करेंगे हम लोग, साइन है, साइन का होता है क्या उल्टा कॉस, और कॉस का होता है साइन, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी यहाँ दे रहा है उसका हम लोग पूरा कोण खोज लिखेंगे, तो साइन के बदले में लिख देंगे क्या हम लोग कॉस, और 67 का पूरा कोण क्या होता है, 90/67। ठीक है, प्लस कॉस है तो क्या लिखेंगे, साइन, और 75 का पूरा कोण क्या होता है, 90/75। आगे देखो कॉस तो कॉस, अब इसे माइनस कीजिए, 10 में से 7 गया 3, इसमें रहा कितना 8, 8 में से 6 गया 2 प्लस साइन, अब देखो 10 में से 5 गया 5, इसमें कितना 8, 8 में से 7 गया 1, अब देखो देखिए तो 23 और आपको ये 15 जो है 0 और 45 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, 5 नंबर कह रहा है, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आपको एक शंकु दिया हुआ है, एक शंकु है ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ये ओ, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या ऊंचाई एल, और ये होता है आर, तो यहाँ देखो आपको आर दे दिया है 14 सेंटीमीटर और एल दे दिया है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, आपको यहाँ पर बोल रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कह रहा है आपको शंकु का सी एस ए बोल रहा है, सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, तो पाई कुछ भी नहीं बोला, मतलब 5/7 यूज करना है, आर आर है आपका 14 और एल है 16, 7 × 14 ठीक है। अब क्या करेंगे, 22 × इधर गुणा कर लीजिए, इधर गुणा करते होगा 32, इधर होगा जी 32 होगा ना, 32 यानी तो दोनों गुणा कर लीजिए, गुणा करने से आपको हो जाएगा 64 यानी 4 704 आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है,
देखो गुना करेंगे कितना है, 704 सेंटीमीटर। देखो ये आपको क्षेत्रफल पूछा है तो ये स्क्वायर देंगे, आपको मात्र 5 का जवाब देना था, लेकिन यह हम 7 बताएंगे आपको, है ना, केवल 5 बनाना है आपको, तो 10 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, x माइनस ए कोमा एक्स कोमा एक्स प्लस ए का माध्य ज्ञात करें। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, याद रखना ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया इस तरह क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, माध्य माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। देखो यह आंकड़ों का योगफल कितना आंकड़ा है, x माइनस ए प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस ए बट्टा, देखो इसमें एक है दो तीन ठो है या तीन लिखेंगे इन एक ही। देखो बहुत बच्चे क्या करवा लो मैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच से भागा दे दिया, गोल नंबर नहीं मिलेगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर x प्लस ए है, सॉरी देखो अब ये क्या करेंगे, जो कट रहा काट ये और ये कटेगा, आए क्या देखो एक्स जोड़े एक्स जोड़े एक्स तीन एक्स बटा तीन 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 कट गया एक्स आंसर। नंबर 7 देखो बोल रहा है यहाँ पर 20 बल्बों के एक समूह में, 20 क्या है बल्ब है, चार बल्ब खराब है, चार तो क्या है उसमें खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, एक बल्ब हम लोग निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है और दूसरा खराब नहीं है। देखो समझा के बल्ब यहाँ पर कितना है, एन ऑफ एस लिख देंगे 20 बल्ब है ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है खराब चार है तो ए नंबर में ए एन ऑफ बी चार बल्ब खराब है ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी ई एन ई बटा एन ऑफ एस ठीक है। अब देखो एन ई एन ई कितना है, चार है खराब बल्ब और इतना है 20 बल्ब टोटल बल्ब है, चार रकम चार चार पच्चे 20 तो ये हो गया एक बटा पाँच ठीक है, एक बटा पाँच क्या हुआ इसका पहला आंसर हुआ। नेक्स्ट देखो फिर कह रहा है बी बी यहाँ बोल रहा है खराब नहीं है मतलब अच्छा है इन वॉज इसका मतलब, तो एन ऑफ यहाँ एक काम कर सकते हो, खराब वाला को एन ई क्या और खराब नहीं वाला को एन ऑफ एन बार कर देना, मतलब इतना बल्ब खराब नहीं है। तो बताओ यहाँ पर 20 बल्ब है, 20 बल्ब बल्ब में चार बल्ब खराब था तो कितना 16 बल्ब खराब नहीं है अच्छा है ठीक है। अब इसका निकालियो पी ई डैश एन ई डैश बाई एन एन एस ठीक है, तो ये हो गया 16 बटा 20 चाहे हो गया 16 चार बजे 20 चार बटा 5। इसको बनाने का एक और तरीका है, दोनों तरीका बता रहे और देखो जब ये हम लोग का निकल चुका है खराब बल्ब एक बटे 5 इसका प्रायिकता, तो आपको चाह रहा है खराब नहीं बल्ब मतलब इसका फॉर्मूला 1 बाई पी ई भी होता है तभी आंसर आ जाएगा। देखो 1 बाई ये कितना है 1/5 दोनों लस और 5 5 एकम 5 1 तो 4/5 आंसर। देखो दोनों में सेम आया, देखो आया कि नहीं, लेकिन ये तो बनाना ही पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आप चाहोगे तो ये वाला बनाओ या तो फिर ये वाला बनाओ बी नंबर में ठीक है, ये यहाँ से बनाना है बी दोनों में से कोई एक अपना मर्जी से बनाइए। अगला देखो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, सेक्शन बी देखो सेक्शन बी में आपको 3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देगा, 3 मार्क्स का 7 क्वेश्चन देगा, बनाना पड़ेगा कितना आपको 5 बनाना है। तो यहाँ लिख देंगे कि हम लोग 3 × 5 = 15 बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो ये आपका हो जाएगा 7 था तो ये 8 नंबर होगा। देखो 8 नंबर यहाँ क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो 4 - 3 और 5 = 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:5
एक में विभाजित करता है, कह रहा है आपको एक रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड है। इसका नाम दे दो ए और बी दे दो, और ए, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 4, -3, और बी का कोऑर्डिनेट आपका है 8, 5 है, और ये बीच में एक बिंदु है पी है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, और 3:1 के अनुपात में है। इसको हम लोग मान लेंगे एम, इसको मान लेंगे एन, और ठीक है पहले वाला कोऑर्डिनेट को मानते हैं x1, इसको y1, सेकंड वाला को x2 y2, आपको चाहिए xy चाहिए, क्या चाहिए xy चाहिए। तो therefore इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे PxyMx2+NX1/M+N। फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, MY2+NY1/M+N। देखिए आगे M, M कितना है 3 है, X2 कितना 8 है, प्लस N, N आपको कितना 1 है, और X1 कितना है 4 है, बटा M+N, M 3 1। खाली कुछ नहीं करना है, वैल्यू बैठा दीजिए खाली आप, M, M है 1, नहीं M 3 है ना जी, और Y2 है 5, जोड़ N 1 है, Y1 है -3/3 जोड़ 1। आगे देखिए 3×8=24 जोड़ 4×4=4, 15 प्लस माइनस -3 ये 4, दोनों जोड़ दो 28/4, और ये कितना हो गया, हो जाएगा 12/4, तो ये 4 है, 4×7=28, 4×3=12, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 और 3, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको लिख लीजिए पहले आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, K का मान ज्ञात करें यदि बिंदु 8, 1, K-4 और 2, -5 सरेखीय है। क्या है आपका? सरेखीय है, मतलब कोलिनियर है। देखो नंबर 9, एक रेखा इस तरह है, ये A है, ये B है, और ये C है। A, A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 8, 1, B, B का दिया हुआ है K-4, थोड़ा अच्छा से लिख, और C, C का कोऑर्डिनेट आपका है 2-5, ठीक है, आपको सरेखीय बोल रहा है। अब देखो पहले इसको हम लोग क्या लिखेंगे, X1 Y1, इसको लिखेंगे X2 Y2, इसको लिखेंगे X3 Y3। देखो ध्यान से, यदि 3 यदि बिंदु सरेखीय होंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्या होगा, क्षेत्रफल 0 होगा। तो आप लिखेंगे ऐसे, चूंकि A B एवं C तीनों बिंदु सरेखीय है, सरेखीय है, तो यह लिखेंगे एरिया ए बी सी बराबर 0 होगा, ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 = 0, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे 1/2 x1 वैल्यू बैठा दीजिएगा, कुछ नहीं करने का, वैल्यू बैठाइए 8, y2 के बदले में जो है -4, और y3 -5, तो -5 हो जाएगा, ये x2 हो गया k, ब्रैकेट लेंगे फिर y3 -5 - y1 कितना 1 है 1 प्लस x3 हो गया 2, y1 हो गया 1, y2 हो गया -4 यानी +4 हो जाएगा। यदि इस ढंग से बैठा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है फिर आंसर आपको लाने में, है ना। आगे एक काम करते हैं, एक 1/2 गुना है तो इधर ले जाएगा भागा के साथ, 0/1/2 ये हो जाएगा 0, तो ये हट जाएगा डायरेक्ट, है ना। आगे देखो फिर 8 ब्रैकेट 1/2 इस साइड चला गया, है ना, उसको लिखे नहीं, छोड़ दिए हम। अब
अभी दोनों में देखो, पाँच माइनस चार यानी एक, के तो के होगा, माइनस पाँच माइनस एक माइनस छः, दो चार यानी एक पाँच, रिकट जीरो। आगे देखो फिर आठ एक हम आठ, छः गुना के सिक्स के, दो बजे दस बराबर जीरो। अब करेंगे क्या, के को लिखेंगे ऐसे ही, इधर लिखो और इधरों को देखो जोड़ को उस साइड भेज देंगे। देखो आठ और दस अठारह, तो हम लोग उसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस अठारह हो जाएगा, ये माइनस में से कटा। छः कम छः, छः तीन अठारह, तो के का मान हो जाएगा कितना, तीन। के का मान हम यहाँ तीन बैठा देंगे तो ये क्या मेरा होगा, क्षेत्रफल जीरो आ जाएगा, यानी तीनों सरेखे होंगे, ठीक है, कोलिनियर होगा इसका मतलब। आगे देखो फिर नंबर टेन, दस नंबर क्या कह रहा है, देखो ये आपका है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। देखो यहाँ कह रहा है इस तरह एक फिसलन पट्टी बनाया गया है। फिसलन पट्टी का मतलब यहाँ पर इस तरह सीढ़ी रहता है, ठीक है, यहाँ से बच्चे चढ़ेगा, चढ़ने पर यहाँ पर जाएगा, यहाँ से फिर ये उतरेगा, ठीक है, यहीं से ये उतर के यहाँ तक आ जाएगा, इसी को आपको बोलते हैं फिसलन पट्टी। ये आपको पता लगाना है ये लेंथ, तो ये लेंथ को मान लीजिए, एक काम कीजिए और ये कितना मीटर ऊंचा बोल रहा है, 1.5 मीटर ऊंचा है। लेंथ को मान लेते हैं हम, मेरा क्या एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। और ये तुम्हारा एच जो है 1.5 मीटर का है और ये आपको दिया हुआ 30 डिग्री पर झुका हुआ है बोलता है, उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको इस तरह लिखिए, माना कि 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी है तथा कौन बजा देखो तुम बंगल तथा एसी बराबर एक्स मीटर लंबाई का फिसलन पट्टी है, ठीक है, इतना मीटर ऊंचा है और इतना लंबाई है और एंगल क्या है ACB, ये आपको दिया है 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से इस कोण के लिए ये हो जाए आपको, दो आपको दिया हुआ है क्या, P दिया हुआ है निकालना, H है मतलब P/H किसका संबंध होता है, साइन का, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री हो जाएगा क्या, AB/AC साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, ठीक है। अब AB है 1.5 x, x इंटू एक्स एक्स और 2 × 1.5, देयर फोर x बराबर गुना कर लो तो 3.0 आएगा मीटर, मतलब ये फिसलन पट्टी लंबाई जो होगी कितनी होगी, 3 मीटर की होगी, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। देखो साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, यहां पर कह रहा है क्या, आपको 3a क्या है, न्यून कोण है, यह आपका न्यून कोण है, तो पता लगाना है क्या कि ए का मान क्या होगा। देखो रिप्लाई पहले समझिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 − θ होता है, ठीक है, तो इस साइन का मतलब लिखेंगे कॉस और 3a का पूरा कोण का मतलब 90 डिग्री माइनस 3a लिखेंगे और एक को छोड़ देंगे, ठीक है,
कॉस ए माइनस 26, या तो इसको चेंज कर दे, इसको छोड़ देते हम लोग, और इसको चेंज कर दे, इसको छोड़ दे रहे हम, है ना। अब देखिए ध्यान से, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो कॉस को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 3 है, यहाँ क्या बचा ए माइनस 26, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ए को एक तरफ ले जाएंगे और बगैर ए वाला को एक तरफ लिखेंगे, मैंने कॉन्स्टेंट को एक तरफ और आपका ये वेरिएबल को एक तरफ ले जाएंगे। देखो 90 माइनस में है, इसको ले इधर प्लस, ये माइनस में इसको ले जाएंगे इधर, ये हो जाएगा प्लस, दोनों जोड़ देंगे तो 6 11, और इधर हो जाएगा क्या 4a, ठीक है। आगे 116 ये गुना में है भागा ए। अब देखो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दुना 8, तो इसमें 3 बचा 36, 4 9 36, मतलब क्या हो गया ए 29 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है। और 29 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 87, वो भी क्या है तो न्यून कोण है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है समझो ध्यान से, 12 नंबर आपका है ये रचना है 11.1 से है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक वृत्त के एक त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। देखो यहाँ क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहले हम एक रब डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे रब डायग्राम। देखो कह रहा इस तरह, एक आपको बनाना है त्रिभुज, नाम दे देना ए बी और ये सी, यहाँ बोल रहा है 5 6 7, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, इस तरह का एक त्रिभुज बनाना है। उसके बाद बोल रहा है इसी के समरूप एक नया त्रिभुज बनाना है, वो होना चाहिए क्या संगत भुजा 7/5 गुने, ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका जो नया त्रिभुज बनेगा वो क्या होगा, इससे बड़ा बनेगा क्योंकि ऊपर में बड़ा है। तो इसको कैसे बनाते हैं आपको पहले ही बताया गया है, और एक बार देख लो। पहला काम हम लोग करेंगे क्या, एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, वो रेखा बी सी लेंगे, वो आपका कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का हम लोग एक रेखा खींचेंगे, एक स्केल को 0 में बैठाएंगे और 5 तक एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे देखो, उसके बाद आपको करना है एक प्रकार की सहायता से 7 सेंटीमीटर का एक ले लेना है, ठीक है, रेखाखंड लेके यहाँ रखना है, यहाँ रख के काटो ऊपर की ओर, ये हो जाएगा आपका कितना 7 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, दोबारा पुनः हम लोग एक और चाप लेंगे 6 सेंटीमीटर का, और इसको यहाँ बैठा के इसको यहाँ काट देंगे, जो बनेगा ये ए बी सी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, देखो ये वाला काम पहले कर लेंगे, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया, ये 7 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर जो बी दिख रहा है, बी में एक न्यून कोण बनाएंगे, क्या बनाएंगे न्यून कोण बनाएंगे, ठीक है। न्यून कोण बनाने के बाद अब यहाँ देखो ध्यान से समझो, थोड़ा सा ऊपर में बड़ा है, जब ऊपर बड़ा रहेगा आप करना क्या है, इस सब रेखा को बढ़ाएंगे, जैसे कि बी ए है, बी ए को आगे की ओर बढ़ा देंगे इस तरह, ठीक है, और बी सी को भी आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह, ठीक है, बढ़ा लिए। उसके बाद देखो अब यहाँ पर यहाँ देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है, ज़्यादा 7 है, तो इस जो रेखाखंड अब खींचे इसको 7 इक्वल भाग में बांट देंगे, ठीक है। तो यार लेके 7 बार हम लोग काटेंगे, पहले यार देखो प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है, प्रकार से इस तरह कर देंगे हम लोग, इसका नाम नेमिंग कर देंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, नीचे में अब देखेंगे नीचे वाला क्या है, नीचे वाला 5 है तो B5, ये देखो इसको और C को एक हम लोग स्केल की सहायता से एक रेखा खींचेंगे इस तरह, जब रेखा खींचा जाएगा उसके बाद करना क्या है, देखो आपको आपको यहाँ करना है सी बी डेस के समानांतर एक रेखा खींचना है, ठीक है। तो रेखा कैसे खींचाएगा, देखो यहाँ रख के एक चाप काटेंगे ऊपर की ओर
सातवें रैकेट काटेंगे ऊपर की ओर और इसको माप लेंगे, मापने के बाद आप यहाँ रखें इस तरह काट देंगे तो ये आपका इसके समानांतर आ जाएगा। तो सी है तो ये बगल में ले देंगे हम लोग सी डैश, ठीक है। फिर अभी क्या करेंगे, ए सी के समानांतर हम लोग एक रेखा खींचेंगे ए डैश सी डैश, तो यहाँ एक कोण बनाएंगे संगत कोण, यहाँ रख के इस तरह कोण नाप लिए जितना आया, यहाँ रख के फिर इस तरह इसको मेजरमेंट करके इसी कोण का यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, और इसको इस तरह मिला देंगे इस तरह। तो यहाँ ए है तो ये हो जाएगा आपका ए डैश, तो ये देखो ए सी समानांतर होगा ए डैश सी डैश और सी बी डैश सी बी फाइव सी डैश। तो आपको जो नया त्रिभुज क्या बना आपको देखो ए डैश बी, ये बी है ना ए डैश बी और ये सी, तो यहाँ लिख देंगे क्या नीचे लिख देते हैं ए डैश बी सी डैश, ये समरूप हुआ बड़ा वाला त्रिभुज के पहले जो मूल त्रिभुज क्या था मेरा ए बी सी, ए बी सी का 7/5 गुनी, ठीक है। ये आपका था 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका भी हम लोग डायग्राम पहले बना। ये भी आपका क्या है रचना से है, ये 11.2 वाला पार्ट से है। देखिए अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करें और इसकी लंबाई मापिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 वाला दिया है, 11.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है ये। देखो आपको यहाँ का क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, एक आपको वृत्त खींचना है इस तरह, क्या खींचना है वृत्त, ठीक है, वो वृत्त होना चाहिए आपको 6 सेंटीमीटर का है ना। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पर यहाँ से 10 सेंटीमीटर एक रेखा लीजिए, यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये मान लीजिए P मान लेते हैं, इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ये आपका है 6 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए ये आपका है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ आपको स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई मापी, तो लंबाई अपने आप 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो क्यों 8 सेंटीमीटर हुआ बता रहे हैं, ये पूरा लंबाई आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है दूरी का, और यहाँ बनता है समकोण त्रिभुज बनता है, तो पाइथागोरस त्रिक का यूज करेंगे हम लोग, ये 10 है ये 6 है तो ये 8 आएगा, ये 10 है 6 है तो 8 हो जाएगा इस तरह, ठीक है। अगला तो इसको बनाया कैसे, देखो बनाने का तरीका क्या होगा समझिए। पहला काम हम लोग करेंगे, मैंने रफ डायग्राम बताया, पहला काम करना है आपको एक 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त प्लेट खींच लेना है, ठीक है। जब वृत्त खींच लेंगे उसके बाद एक केंद्र, ये ओ है केंद्र, यहाँ से 10 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लीजिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको नाम दीजिए पी, ओ पी, ओ पी हो गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, इस ओ पी का लंब समद्विभाज खींचेंगे, ओ में रखकर ऊपर काटेंगे नीचे काटेंगे, अब जब ऊपर नीचे काटेंगे आधा से ज़्यादा बोला गया 10 का आधा होता है 5 से ज़्यादा 6 सेंटीमीटर, मतलब वही वाला चाप में ही रखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट चुके हैं यहाँ रख के, फिर काटिए वही वाला यहाँ यहाँ, फिर आपको इस तरह एक रेखा मिलेगा, ये लंब समद्विभाज इसको मान लेंगे हम लोग ओडेस, क्या मान लेंगे हम लोग ओडेस मान लेंगे, ये ओडेस। और देखो ये दोनों की लंबाई बराबर होगी, यहाँ दिख नहीं रही है, यहाँ थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो सेम होगा, ठीक है। ये दोनों आपको इधर 5 होगी, ये भी 5 होगा, एक काम करो थोड़ा सा छोटा कर दीजिए तो कुछ देखने से लगना भी चाहिए। मान लीजिए ये तुम्हारा पी मान लेते हैं, ये 5 ये 5 होगा। अब या इसको केंद्र मानकर ओ और पी को त्रिज्या मानकर आप एक वृत्त खींचेंगे इस तरह, जहाँ भी कटेगा इसको इससे मिला देंगे, इसको इस वाला से मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ मेरा यहीं पर आ गया, इसको मिला दिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ देखो तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। अब इसको नाप लेंगे, नापने के बाद लिख देंगे इसे ए पी बराबर बी पी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा आपका 14 नंबर,
यहाँ क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे में समझते हैं लड्डू गोटी, ठीक है। तो एस एस कितना होता है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो एन ऑफ एस इसको हम लोग काउंट करेंगे तो भी छः ही आएगा, ठीक है। आगे क्या बोला फिर देखो, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पाँच से बड़ी एक संख्या हो, पाँच से बड़ा नंबर एक, देखो पाँच से बड़ा यहाँ कौन है, देखो छः है ना, तो ई ई लिखेंगे यहाँ छः, तो एन ऑफ ई ये जो छः है कितना संख्या, एक ही तो संख्या है एक, तो हो जाएगा पी ई इक्वल टू एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस एक बटा छः। याद रखना ऊपर में हाथम छोटा संख्या होता है, नीचे बड़ा, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सम संख्या है, क्या है सम संख्या, सम यहाँ कौन कौन सम है, देखो सम छः है चार है दो है, तो ई दो चार छः ये कितना संख्या है जी, तो ये आपका तीन संख्या हुआ, तो पी एन ई बटा एन ऑफ एस तीन बटा छः तो एक बटा दो तो वन बाई टू, ये आंसर हो गया नंबर तीन। देखो तीन नंबर, तीन नंबर क्या कह रहा है, एक भाज संख्या हो, भाज मैंने जो एक से विभाग हो और बाकी किसी से विभाग हो उसको बोलते हैं क्या, भाज संख्या। देखो ई तो भाज संख्या यहाँ पर कौन कौन है, देखो एक भाज संख्या नहीं है, दो भी भाज संख्या नहीं है, तीन भी नहीं है, चार और आपका छः भाज संख्या है, चार और छः, तो एन ई ये दो है एक दो, तो पी दिखाई दे रहा है, हाँ तो पी क्या हो जाएगा एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस मतलब दो बटा छः एक बटा तीन, तो आपका आंसर हो जाएगा वन बाई थ्री आंसर, ठीक है। देखिए हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर, सेक्शन सी में आपको यहाँ पांच क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बनाना कोई तीन बनाना है। सेक्शन सी ये आपको तीन बनाना है, पांच मार्क्स का है, ठीक है, या तो आप ऐसे करो पांच मार्क्स का तीन क्वेश्चन बनाना, ठीक है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस का है, 9.1 का है। देखो एक मीनार के पास से बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो यहाँ क्या कह रहा है आपको समझिए ध्यान से, एक आपका छोटा सा ये भवन है, ठीक है, और यह बगल में क्या है एक आपका मीनार है, मीनार का ऊंचाई दिया है 50 मीटर दिया है, ये ऊंचाई h है, इसका नाम ए बी रख देते हैं, इसका नाम पी क्यू रख देते हैं, और यहाँ कह रहा है कि आप भवन के शिखर एक मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है इसका पाद बिंदु ये है, शिखर का उन्नयन कोण ये दिया है 30 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है कि आप भवन के पाद बिंदु ये है और उसके शिखर का उन्नयन कोण ये दिया 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, तो आपको भवन की ऊंचाई क्या करना, तो इसको मान लीजिए x, ठीक है। देखो कैसे करते हैं हम लोग, लिखेंगे माना कि ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर तथा पी क्यू एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं क्या बी क्यू को x मीटर माना, और जो कौन सा है इसको लिख दीजिए ए क्यू बी 30 डिग्री है और पी बी क्यू 60 डिग्री है। पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं हम लोग, इसको ए बी क्यूब में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी क्यू में
क्यू में लो 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा ए बी बाई बी क्यू, ए बी बाई बी क्यू ठीक है। दिस इम्प्लाइज 10 30 ये होता है 1/√3 ए बी, ए बी एच और ये आपका एक्स है। तो देखिए आगे देखिए फिर क्रॉस कर देंगे हम लोग इस तरह तो हो जाएगा क्या, देयर फोर एक्स बराबर √3h, सब एक लिख देंगे ठीक है। फिर लेंगे यहाँ पुनः अब बढ़ाते हुए देखो बी क्यू सॉरी पी बी, पी बी क्यू भी लिख सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है। तो पी क्यू बी लिखो, पी क्यू बी में है ना 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू बटा बी क्यू, लेकिन भाई 10 60 होता है √3/1 और पी क्यू, पी क्यू आपका है यहाँ 50 है और ये x है देखो √3/1 50 बटा x, x का मान देखो ये निकाल चुके हम लोग समीकरण एक में √3h, क्या लिख देंगे समीकरण एक से ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3 × √3 हो जाएगा 3h, ये हो जाएगा 50, एच बराबर 50 गुना में है तो भागा में ले आएंगे इधर देर एच, इसको इसे भागा देंगे तो ये 16 पूर्णांक 2/3 आएगा क्योंकि 16 3 48 और 2 50 मीटर, यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 16 पूर्णांक 2/3 मीटर, ये आंसर होगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आपको यहाँ क्या करें, एक घन दिया हुआ तो घन का फिगर बनाएंगे इसे हम लोग, घन किसको बोलते हैं, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, यह आपका घन है। वो बोलता है घन के ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ ठीक है इसके ऊपर में, तो कह रहा है यहाँ पर कि इसकी अधिकतम व्यास कितनी होगी कह रहा है ठीक है। और जो घन है घन का प्रत्येक भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर, मतलब इसको ए मान लीजिए, ए ए सब दिया है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा तो अधिकतम क्या हो जाएगा 7, यहाँ लिखेंगे माना कि घन की प्रत्येक कोर ए, ए को मान अब ए तो दिया हुआ कितना है कल ए माने हैं ठीक है ना, और जब दिया हुआ ये कितना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए अधिकतम क्या था व्यास की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी कोर के बराबर होगी है ना। तो व्यास को कहते हैं क्या डी और कोर, कोर आपका ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर है आपका तो डी पहला आंसर तो ये हो गया आपका ठीक है। फिर अब क्या करना देखिए डी, डी को क्या लिखते हैं हम लोग 2r 7 सेंटीमीटर, देयर फोर आर, आर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ये 7/2 क्या निकल गया आपका इसका व्यास निकल गया। तो अगला बोल रहा है यहाँ पर इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जो ये आकृति बना इसका सी से पता करना है, तो लिखेंगे देयरफॉर ठोस का सी से ठीक है। ठोस का सी से के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपको क्या है घन है, लिखेंगे घन का टी से प्लस ये वाला क्या है आपका ऊपर अर्धगोला है और गोले का सी एस ए
माइनस, देखो ये वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वृत्त जो पार्ट है ये वाला, इसका आधार दो बार यूज हुआ है, घन का टेस्ट में भी यूज हो चुका है और इसमें भी यूज हो चुका है, मतलब एक को कम करना पड़ेगा, तो लिखेंगे माइनस और गोले के आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए घन का टीएसए हो क्या होता है, 6a² होता है, ठीक है, प्लस अर्धगोले का सीएसए ये होता है 2πr² होता है, माइनस अर्धगोले का आधार, आधार यानी ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। आगे लिखेंगे 6a² प्लस ये 2πr² में से 1πr² घट गया तो यहाँ बचेगा πr² बचेगा, 6a ये देखिए ये कितना है आपका 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस पाई, पाई कुछ तो बोला नहीं है, देखिए क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर 22/7 यूज करेंगे, आर आर दो निकाल चुके हम लोग 7/2 होल स्क्वायर, ठीक है। उसके आगे देखिए 7 स्क्वायर यानी 7 × 7 = 49 प्लस 22/7 देखिए 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 लिखो और 2 का स्क्वायर 2 × 2 इस तरह, और जो कट रहा काट दीजिए, देखिए 7 7 कटेगा 2 × 2 = 11 ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इन दोनों गुणा कर लेंगे, ठीक है, गुणा करो 6 × 9 = 54 हाथ में रख कितना 5 6 × 24 = 24 × 5 = 29 प्लस अब देखिए यहाँ क्या बचा 11 × 7 = 77 नीचे में कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, आगे 294 प्लस तो इसको इसे भाग देंगे 38.5 आएगा, ये नहीं आएगा। अब जब इसको जोड़ लीजिए 0.5 यहाँ होगा 8 × 12 हाथ में 1 ये आपको कितना हो गया 10 × 10 = 13 हाथ में 1 3 तो यहाँ लिख देंगे क्या देखो तो यहाँ क्या बोला गया सी एस सी इन क्षेत्रफल तो cm², ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक जूस बेचने वाला एक ग्राहकों को चित्र में दर्शाए गए गिलासों से दूध देता था, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी, यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास का वास्तविक धारिता ज्ञात करें। देखो क्या कह रहा सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 17 एक जूस बेचने वाला आदमी है, ठीक है, और एक इस तरह का एक तो आपको ये बना दिया गया है आकृति का ग्लास बना दिया गया है, आपको जूस दे रहा है, ठीक है, कैसा इस तरह है ऐसे है ये उभरा हुआ मतलब ऊपर तरफ उठा हुआ है, ठीक है, ये हाइट h 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कह रहा है नहीं व्यास व्यास जो है 5 सेंटीमीटर व्यास ये पूरा तो ये d लिख दो d 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए कैसे करना है आपको ध्यान से इसको यहीं से चालू करते हैं ना, इसको इस तरह लग कर दे दे थोड़ा सा, इसके बाद यहाँ आ जाना। देखो पहला क्या करेंगे हम लोग ये पूरा पूरा का निकालेंगे आयतन, धारिता पूछा है, धारिता का मतलब होता है आयतन, ठीक है, ये पूरा क्या है आपका बेलन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, मतलब ये तुमको वास्तविक चीज ये मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपसे पैसा पूरा पूरा का पैसा लेगा वो,
या लगेंगे, बेलन लिख सकते हो, ग्लास लिखो, ग्लास का वास्तविक धारिता बराबर बेलन माइनस अर्ध गोले का धारिता, ये होगा ठीक है। तो बेलन, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये अर्ध गोले, अर्ध गोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आगे देखिए दोनों में कुछ मिल रहा है क्या कॉमन, तो उसको बाहर कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन है देखिए, तो यहाँ बचा एच माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर चला गया, यहाँ आर बचेगा। और ध्यान दीजिए जब डी दिया है 5 तो आर हो जाएगा क्या 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पाई कुछ, हाँ पाई इसमें बोला गया है, पाई यूज करना है 3.14, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, पाई 3.14 आर, आर के बदले में 5/2 होल स्क्वायर एच, एच आपका 10 है, माइनस 2/3 आर 5/2, ठीक है। आगे देखो 3.4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4, 10 माइनस ये कट रहे तो काट दीजिए, 5/3। आगे 3.14 4 से भागा देंगे इसको, 4 से भागा देंगे तो कितना होगा, 4×6=24 एक हासिल, यानी 4×2=8, 5, ठीक है ये आएगा। और इसको ये कीजिए दोनों एलसीएम 3×30-5, इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, देखिए 3.14 इंटू 6.25 9.625 ये हो जाएगा 25/3 8.3 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू 19.625 163.54 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हुआ। ठीक है इसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करें। देखो माध्य ज्ञात करने बोला, इसमें आपको कोई बोला नहीं है कि आप कौन से विधि से बनाना है, आपको आपकी मर्जी कोई विधि से बनाइए। तो सबसे सिंपल विधि क्या है बताओ, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि नंबर 18 देखो। तो इसमें क्या क्या दिया है, सी आई दिया है, एफ दिया देगा आपको, यहाँ निकालना होगा एक्स, फिर ये यहाँ लिख देंगे एफ एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, वर्गांतराल 0 से 20, ठीक है, ये है आपका 17, 20 से 40, 28, 40 से 60, 32, 60 से 80, 24, 80 से 100, 19, यहाँ लिखेंगे कुल टोटल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, देखिए अब थोड़ा समझिए।
अब हमको करना क्या, देखो पहला काम हम लोग करना क्या, एफ है तो एफ का सम को बोलते हैं सिग्मा एफ, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ते हैं 17 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 19, तो ये आपका आ रहा है, इस सबका सम 120 आ रहा है, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखो एक्स, एक्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से, देखो 0 प्लस 20 दोनों जोड़ेंगे क्या होगा, देखो 0 प्लस 20 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, यानी 20/2 तो कितना हो गया 10 है, 10 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद बार बार जोड़ना नहीं है, अब देखो, अब देखिए कि 0 से कितना ज़्यादा है, देखिए तो 20 ज़्यादा है, ये इससे 20 ज़्यादा, 20 बढ़ रहा है कि नहीं, इसमें 20 जोड़ दीजिए फिर, तो ये हो जाएगा 30। अब इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए तो भी उतना ही आएगा, देखिए कैसे 20 और 40 60/2 यानी 30, ठीक है। अब यहाँ 20 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 50, फिर जोड़ेंगे 70 90, यहाँ नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब अगला एफ एक्स, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, एफ फ्रीक्वेंसी ये आपका मिड पॉइंट है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 × 10 = 170 और 28 × 30 यहाँ लिख देंगे 0, 3 × 3 = 24, 7 × 2 3 × 2 = 6 6 × 2 = 8, ठीक है, इस तरह करना है, 0 तो 0 लिखो, फिर 5 × 10 1 5 × 15 = 16, ठीक है, इसी तरह इसको भी करना है 0, अब 7 × 28 2 14 × 2 = 16, ठीक है। अब ये से करो 9 से 0 लिख देंगे पहले, 9 × 9 = 81 7 9 × 7 = 17, ठीक है, और सबको हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या सिग्मा एफ एक्स, और सबको जोड़िए 0 0 0 0 0, फिर यह क्या 7 7 4 कितना होता है 11 11 11 और 8 19 19 1 20, अब मेरा 2 2 और 1 3 3 और 8 11 11 और 6 17 17 और 6 23 23 और 7 कितना 30 ना, हाथ में रखे 3 3 4 5 6 कितना है, गलती की हम लोग, ठीक है 6 यानी हो गया, अब सब हो गया, इसको मिटा देंगे, यहाँ मत लेगी, और यहाँ हम लोग थोड़ा जरूर लिख देंगे प्रत्यक्ष विधि, विधि का नाम क्या है प्रत्यक्ष विधि, या डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या लिखेंगे, माध्य यानी एक्स बार, इसको लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला होता है क्या सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ 6000 / 120, 0 कटा, देखो 12 × 12 = 60 0 50 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 नंबर कह रहा है निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें, देखो माध्यिका निकालना है, यहाँ भी पहले डाटा को लिख लीजिए सी आई और आपको एफ, यहाँ लिखते हैं हम लोग सी एफ संचय बारंबारता, ठीक है, इसका 3 घर बनता है, देखिए 0 से 10 ये आपका है 5 है, 10 20 8 है, 20 30 20 30 40 15 40 50 7 50 60 5 ये आपका कुल
ये आपको एन एन ये 60, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते कैसे, ध्यान समझिए। 5 है तो यह लिखेंगे 5, ठीक है। 5 8 13, 13 और 20 33, 33 और 15 यानी 8 48, ठीक है। और ये हो जाए कितना 55, 55 और 5 60। अब देखिए ये दोनों बराबर आ रहा, बराबर आ रहा मतलब आप सही दिशा में चल रहे हैं, आपको सही हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए फिर यहाँ लिखेंगे एन बाई टू, एन 60 बाई टू, यह आ जाएगा 30। अब यहाँ देखेंगे 30 से जस्ट कम कौन है, तो हम यहाँ मिलेगा आपको देखो 13, इसको लिखेंगे सी एफ, सी एफ। अब फिर यहाँ देखेंगे 30 से जस्ट ज़्यादा कौन है, 33, 33 के सामने वाला को लिखते एफ, या इसके जस्ट नीचे वाला भी लिख सकते एफ। इसके सीधा में जो ये इसको बोलते हैं हम लोग निकाल रहे हैं माध्यिका, निकाल तो इसको माध्यिका वर्ग बोलेंगे, ठीक है, माध्यिका वर्ग या तो मिडिल क्लास इसको बोलते। अब देखिए माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग आपका हो गया कितना 20 से 30। माध्यिका वर्ग 20 से 30 हुआ मतलब आपका जो आंसर आएगा 20 से कम नहीं आएगा और 30 से ज़्यादा नहीं आएगा, दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर सही है ना, ये आपको आंसर पता करने के जरिए है, ठीक है, आप खुद अपने आप चेक कर सकते हो। बाद में देखो इसमें L, L मतलब लोएस्ट टर्म जो सबसे दोनों में कम जो है, H, H आपको देखो इसमें H में हाइट होता है अमाप, उसको बोलते हैं अमाप। देखो A से कितना ज़्यादा था, 10 ज़्यादा था, 10 से बढ़ रहा था, H हो गया 10। और बाद में तो यहाँ पर दिया हुआ है F हो गया 20 और सी एफ, सी एफ हो गया 13। अब उसके बाद फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा आपको, माध्यिका बराबर L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एफ इंटू एच, ठीक है। L, L है 20 तो लिखेंगे 20 प्लस, बीच में लग कर देंगे, ठीक है, इस तरह प्लस का सीधा में लग कर देना है। N बाई टू, एन बाई टू मेरा कितना आ चुका है 30, माइनस सी एफ, सी एफ देखो 13 लिखेंगे 13, F, F है 20 लिखेंगे 20 गुना। अब देखो H, H है 10 तो 10 लिखेंगे। अब ये और ये कट रहा तो काट दीजिए, 0 0 कट गया, 20 प्लस दोनों इससे इतना घटाइए तो ये 10 में से 30 में से ये मान लीजिए कर दिया तो होगा 17 बटा 2 मतलब 20 प्लस, सो भागा देंगे तो 8.5 आएगा। अब देखो दोनों जोड़ देंगे 28.5। देखिए अब हमको चेक करना है तो सही है कि नहीं मेरा आंसर 20 और 30 के बीच में आ रहा है 28.5, मतलब आपका सही नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको लिखिए फटाफट,